हेलो गाइस, दिस इज़ मासूम जफर। आपका स्वागत है हमारे किंगस एजुकेशन चैनल पे। जैसे कि पिछले लेक्चर में जो हमने किया था ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी का आज नेक्स्ट लेक्चर है। जिसमें कि पिछले क्लास में मैंने क्या क्या बता दिया था फ्लावर्स के बारे में, या फिर एम्ब्रायोलॉजी या फिर पंचम महेश्वरी के बारे में, जो कि जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने बता दी थी। लास्ट में करवाए थे मैंने फंक्शंस ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर के जो फंक्शन है, जैसे कि फ्लावर क्या है एक्चुअली में, एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो उसके फंक्शंस तक पहुँचे थे। फंक्शंस में कुछ मैंने बताया था माइक्रो स्पोरोफाइट या फिर मेगा स्पोरोफाइट, तो वो क्या रिलीज़ करता है, पोलन ग्रेन या फिर एग या ओव्यूल, इस तरीके के सारे चीज़ें हैं। आज थोड़ा सा और हम उस पर जाएंगे फंक्शंस पे, उसके बाद हम करेंगे उसके माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले मैंने बताया था कि एक बार फिर से मैं फ्लावर के बारे में बताऊँगा, फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट हैं नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो करवाया था पार्ट ऑफ फ्लावर में मैंने क्या करवाया था कि फोर होल पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो चार होता है। कौन कौन सा? एक होता है एंड्रोसियम, दूसरा गाइनोसियम, तीसरा कैलिक्स एंड द फोर्थ इज कोरोला। क्या बताया था? एंड्रोसियम को और क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम भी क्या होता है एक्चुअली में, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कौन सा है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें मैंने एक और चीज़ बताया था कि जो हमारा एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम वो क्या है, एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल जो कि ज़रूरत है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है रिप्रोडक्शन में। बाकी जो कैलिक्स एंड कोरोला ये नॉन एसेंशियल है, मतलब कि एक तरीके का एक्सेसरी जो कि हेल्प करता हो इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेगा कौन? कैलिक्स एंड कोरोला। बाकी एंडोसियम एंड गाइनोसियम है जो कि मेन पार्ट है, जो कि एसेंशियल पार्ट में आता है, ठीक है। एंडोसियम क्या था? मेल पार्ट, एंड गाइनोसियम इज फीमेल पार्ट। इसमें कौन सा आता था हमारा? एंथर, जो इसमें सॉरी एंथर नहीं स्टेमन, स्टेमन जो था वो कौन था? मेल पार्ट। एंड गाइनोसियम में कौन सा इंक्लूड होता था? कार्पल, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैलिक्स को और क्या बोलते थे हम? सेपल्स, और कोरोला को पेटल्स। मैंने बताया था कि एक बार फूल लेके, मतलब कि फूल से अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फूल मिल नहीं पाया ढंग का, कुछ फूल मिले जिसमें कि ढंग से कुछ दिख नहीं रहते, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो इससे अच्छा कि हम ये जो है जो मैंने डायग्राम बनाया है इसी में से मैं अच्छे से बता दूंगा। सबसे पहले कैलिक्स एंड कोरोला क्या था? जो लोअर पार्ट था, दो लोअर पार्ट जो नॉन एसेंशियल था, जो कि किससे जुड़ा हुआ था? रिसेप्टिकल, मतलब नाम से पता चल रहा है, जो पार्ट्स को रिसीव कर रहा हो, क्या कर रहा हो? रिसीव कर रहा हो रिसेप्टिकल। इसमें क्या बताया था? ये वाला हमारा क्या, कौन सा पार्ट था? रिसेप्टिकल। ये वाला पार्ट कौन सा था हमारा? रिसेप्टिकल। और रिसेप्टिकल एक लॉन्ग स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है, जिस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग या फिर शॉर्ट हो कोई मतलब नहीं है, इनसे जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेडिकल, मतलब ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम? पेडिकल, ठीक है। ये था दूसरा क्या था कि जो मैंने बताया कि कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब कि सेपल्स एंड पेटल्स ये किससे जुड़ा हुआ होता है? रिसेप्टिकल से। ये किससे जुड़ा हुआ होता है? अटैच टू थैलेमस। अब बोलेगा थैलेमस क्या है? थैलेमस और टोरस जो था, थैलेमस या फिर टोरस, यही क्या था? रिसेप्टिकल। थैलेमस और टोरस ही रिसेप्टिकल था। तो ये क्या था हमारा? रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल से ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट पत्ती वाला, और एक ये पार्ट। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कैलिक्स, जो कि क्या है? कैलिक्स। ये वाला पार्ट क्या है? कैलिक्स। एंड ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला जो अपर पार्ट है ये कौन सा है? पेटल्स। उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोला। आया समझ में?
कोरोला जो कि क्या है, पेटल्स और कैलिक्स सेपल्स, ये समझ में आ गया, ये दोनों पार्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद आता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम क्या है, ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट था, अपर पार्ट जो कि एसेंशियल है, मतलब कि एक ये देखो सबसे पहले ये आता जो मेन, ये जो पार्ट है ये कौन सा है, ये फीमेल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्पल, इसको बोलते हैं कार्पल। ये क्या कंटेन करता है, ये वाला पार्ट जो होता है हमारा ऊपर वाला पार्ट, ये होता है स्टिग्मा, ये बीच वाला पार्ट स्टाइल, एंड द ये जो बेसल पार्ट है, जो बल्ब जो बेसल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवेरी। दिख रहा है ये तीन पार्ट, ये तीनों पार्ट किस में आता है, कार्पल, कार्पल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, गाइनोसियम। आज समझ में, गाइनोसियम या फिर कार्पल, ये समझ में आ गया, ये गाइनोसियम वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था ये कौन सा है, गाइनोसियम वाला पार्ट है, आए समझ में। और उसके बाद आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में कौन सा आता है, ये वाला पार्ट, ये जो है इसको बोलते हैं हम स्टैमेन, क्या बोलते हैं हम इसको, स्टैमेन, जिसमें कि ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, एंथर, ये वाला पार्ट फिलामेंट, हटा दो, ये दोनों ही किस में आते हैं, स्टैमेन में, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, एंड्रोसियम। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट, जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे या फिर उसके एक्सेसरी पार्ट्स जो फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये सारा था। इसके बाद हम पढ़ रहे थे फंक्शंस के बारे में, थोड़ा सा फंक्शंस हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज जो भी है फ्लावर के जितने भी फंक्शन है वो सारे कंप्लीट करेंगे, ये हो गया, तो उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेशंस ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, हैप्लोइड गैमिट्स फ्रॉम अ डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक सेल्स, डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक सेल्स। तो सबसे पहले जो फंक्शन है, फंक्शन में हमें क्या पता है, सबसे पहले फंक्शन, जैसे कि जैसे हम फंक्शन की बात करते हैं, तो जो हमारा जो फ्लावर है वो क्या है, मॉडिफाइड, जो फ्लावर, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट है जो कि मीन फॉर है रिप्रोडक्शन, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मीन करता है कौन, मॉडिफाइड सूट, ये जो फंक्शंस है फ्लावर का, फ्लावर एक्चुअली में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे लीव्स होते हैं, लीव्स वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड इनटू फर्टाइल पार्ट, फर्टाइल दो पार्ट में, जो लीव्स होता है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू फर्टाइल माइक्रोस्पोरोफाइट, माइक्रोस्पोरोफाइट या फिर मेगास्पोरोफाइट, माइक्रोस्पोरोफाइट या फिर मेगास्पोरोफाइट, ये दोनों पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट और ये फीमेल। हमेशा याद रखना माइक्रो एंड मेगा, माइक्रो एंड मेगा में कितना फर्क है, माइक्रो छोटा है, मेगा बड़ा, तो मेगा जहाँ पे भी बड़े की बात आएगी वो फीमेल, छोटी की बात आएगी मेल, समझ में, माइक्रो मेल, मेगा फीमेल, मतलब कि ये क्या है, एंथर, अभी बताया था एंथर, एंथर वाला पार्ट है हमें बताया था, और ये ओव्यूल, या फिर हम इसको हाँ ओव्यूल बोल सकते हैं, या नहीं तो ओवरी बोल देते हैं, ठीक है, एंथर या हाँ ठीक है, ओवरी, ओवरी, ठीक है, ये एंथर एंड ओवरी। अब एंथर क्या, जो हमारा माइक्रोस्पोरोफाइट है या फिर मेगा स्पोरोफाइट है, इसका फंक्शंस क्या है, फ्लावर का फंक्शन जो कि प्रोडक्शन करवाएगा, गैमेट्स के प्रोडक्शन करवाएगा, कौन, ये दोनों, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि माइक्रोस्पोरोफाइट मेल है, मेगा स्पोरोफाइट फीमेल है,
तो यहाँ पर रखना है जो माइक्रोस्पोरोफाइट है, माइक्रो स्पोरोफाइट या फिर मेगा मेगा स्पोरोफाइट, इसके पास क्या है, ये एंथर है और ये ओवरी है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन आइए ओव्यूल, जिसमें से कि क्या प्रोड्यूस होता है, एग। आए समझ में, अब ये पोलन ग्रेन आ गया और यहाँ पे एग आ गया, ये दोनों पार्ट क्या है, कैसा है, हैप्लोइड है। अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जायगोट बनेगा, ठीक है। जायगोट बनने के बाद एम्ब्रायो में फॉर्मेशन, उसके बाद डिप्लोइड प्लांट बॉडी, एक होल डिप्लोइड प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये नॉर्मल फंक्शन था किसका, फ्लावर का। अब इसके बाद थोड़ा सा और फंक्शन पे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पता चल गया एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन, एंड ओवरी ओव्यूल, ओव्यूल क्या प्रोड्यूस करेगा, पोजेज, ओव्यूल पोजेज एग, पोज करता है क्या, एग। ओव्यूल के पास होता है एग, जहाँ पे मेल गैमेट एंटर करेगा, फ्यूजन करेगा, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल फंक्शन, लेकिन अगर हम इसके और एलिब्रेट करके बोले कि और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं फ्लावर के, तो क्या क्या फंक्शन हो सकता है, तो सबसे पहला क्या हो सकता है फंक्शन, कि फ्लावर जो है हर एक प्लांट में इन फ्लावरिंग एंड एंजियोस्पर्म, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हैविंग, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हैविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, मतलब कि सबसे पहला क्या था कि डिफरेंट प्लांट्स हैव वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर फॉर डाइवर्स पोलिनेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फीमेल, सॉरी मेल पार्ट ऑफ, या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आए समझ में, ये होता है हमारा पोलिनेशन। तो बता रहा है कि हर प्लांट के पास, जरूरी नहीं है सबके पास एक जैसा हो, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि अब पोलिनेशन देखते हैं कि पोलिनेशन कितने तरीके का होता है। पोलिनेशन हमारा जो होता है बहुत तरीके का, जैसे कि कुछ विंड पोलिनेशन, कुछ इंसेक्ट पोलिनेशन, मतलब कि कुछ होता है विंड के हेल्प से, मतलब कि विंड आया पोलन ग्रेन को उड़ाया और सीधा ले गया, या फिर कुछ होता है इंसेक्ट वाले जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करता है, या फिर लार्ज पोलन ग्रेन जिसमें कि इंसेक्ट जाता है उसके बॉडी में पोलन ग्रेन आके स्टिक हो जाता है, फिर दूसरे प्लांट के पास जाएगा, फ्लावर के पास जाके वो स्टिक करेगा दूसरे प्लांट के साथ और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उस हिसाब से जैसे कि विंड का देखें, तो हमारे नॉर्मल जो लॉन ग्रास होता है, जो हमारे मैदान में जो ग्रासेस होते हैं, उसके फ्लावर कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कि मतलब कि एक ड्राई पोलन ग्रेन हो जो कि आए हवा से उड़ के और वो गिरे सीधा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा जो कि मेल फीमेल पार्ट था, कार्पल का फीमेल पार्ट होता है ना, अब वहाँ पे गिरे और वो पोलन ट्यूब बनाए और सीधा ओव्यूल से, ओव्यूल में एंटर करके एग के साथ फ्यूज कर जाए, मतलब कि खिला हुआ होना चाहिए उसका। या फिर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक बाईसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, तो उस फ्लावर को कैसा होना चाहिए, मतलब कि बंद, ताकि पोलिनेशन हो जाए उसी में, सेल्फ पोलिनेशन। एक होता है कि डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट पार्ट होगा, एक मेल पार्ट होगा फीमेल पार्ट होगा, तो अलग अलग होगा ना, फिर वहाँ पे एक पोलिनेशन की ज़रूरत, तो वहाँ पे खुला होगा फ्लावर। तो इस तरीके से डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ प्लांट हैव ए वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर, जो कि डाइवर्स पोलिनेशन को वो करें, कि मतलब कि दिखाए कि इसमें डाइवर्सिटी ऑफ पोलिनेशन है, ठीक है। दूसरा हमारा फंक्शन आता क्या है, इट क्या हो सकता है इसका फंक्शन दूसरा, इट एक्ट एज अ सीट फॉर पोलन जर्मिनेशन
पोलिन जर्मिनेशन मतलब पोलिन जर्मिनेट करेगा, या फिर पोलिन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है, पोलिन जर्मिनेशन, पोलिन ट्यूब ग्रोथ, फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, मतलब कि इन सब को होने के लिए एक जगह प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारे स्टिग्मा है, स्टिग्मा कैसे हेल्प करता है, एज एक्टिंग एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन विच इंश्योर्स द पोलिनेशन, मतलब कि विच इंश्योर्स द फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन एंड द एग, मतलब कि इन दोनों का फ्यूजन होगा तो सॉरी सबसे पहले पोलन जर्मिनेशन होगा, फिर पोलन ट्यूब जाएगा स्टाइल के थ्रू, उसके बाद फ्यूजन होगा दोनों में, और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन सेम ही है, उसके बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर प्लांट जायगोट बनेगा, बाकी बहुत सारी जितने भी इवेंट्स हैं सारे होंगे। तो समझ में, ये दूसरा फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन में आता है फ्लावर के। अगर तीसरे की बात की जाए, तीसरा क्या है, तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है ये किसी भी फ्लावर का, तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है, तीसरा फंक्शन जो हमने अभी बताया ना, ओवरी एंड ओव्यूल, ओवरी एंड ओव्यूल बताया ना, जो कार्पल होता है हमारा, कार्पल जो होता है, कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब कार्पल के पास क्या होता है, ओवरी, अब ओवरी क्या कंटेन करता है, ओव्यूल, ओव्यूल कंटेन करता है, अब ओव्यूल है, ओव्यूल में एग होगा फिर फर्टिलाइज करेगा, तो जो ओवरी हो जाता है वो ओवरी कन्वर्ट्स इंटू कन्वर्ट्स या फिर डेवलप्ड, जब एक कोई प्लांट बॉडी बनेगा, मेच्योर प्लांट बॉडी एक होल, तो क्या बन जाएगा, ये डेवलप, डेवलप्स इंटू फ्रूट, जो फल होता है वो क्या होता है, ओवरी तो होता है, ओवरी किसी भी फ्लावर का जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रूट में, फल में, क्या है ये, फल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओव्यूल डेवलप्स इंटू सीड, डेवलप्स इंटू सीड, कौन, ओव्यूल। जैसे कि हम अभी मैंने बताया था कि मान लो ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा में इस तरीके का ना वो होता है ओव्यूल, ठीक है, और यहाँ से पोलिन ट्यूब आता है और ओव्यूल में एंटर कर जाता है, और ओव्यूल के अंदर कैसा होता है, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम इसको ओव्यूल मानते हैं, एम्ब्रायो सैक, ठीक है ना, ओव्यूल होता है और ये एम्ब्रायो सैक होता है, ओव्यूल में एम्ब्रायो सैक, तो यहाँ पे एग होता है, यहाँ सिनर्जिड होता है, टू पोलर न्यूक्लाई होता है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल होता है, तो मेल गैमेट आता है, एक किसके साथ फ्यूज कर जाते हैं और एक किसके साथ फ्यूज कर जाता है, तो जो ऊपर का जो पार्ट होता है ये ओवरी, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में, बाकी ये जो हो गए ओव्यूल, जिसमें ओव्यूल होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। आए समझ में, समझ में ना, सीड में, सॉरी सीड में, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, ओव्यूल। उसके बाद लास्ट अगर हम फंक्शंस की बात करें तो लास्ट फंक्शन क्या हो सकता है, कि जो हमारे पास एक और भी एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ था, एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा, होल पार्ट मैंने बताया था कि जो नॉन एसेंशियल होता है। अब नॉन एसेंशियल है मतलब कि एक्सेसरी है, और एक्सेसरी है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो काम होगा, कुछ ना कुछ काम होगा ना, तो जैसे हमारे पास जो कैलिक्स था, कैलिक्स एंड कोरोला था ना, कैलिक्स एंड कोरोला, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि ये मॉडिफाई, ये भी मॉडिफाइड हो जाता है, ये भी मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइज एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ फ्रूट। कई ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिसमें कि ये दोनों के दोनों लगे हुए रहते हैं, मतलब कि डेहिसेंस होने के बाद भी, जब फ्रूट बनने के बाद भी, जो उसके बाद अगर डेहिसेंस हो जाता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, राइपनिंग के बाद, राइपनिंग के बाद जो है ये दोनों प्रेजेंट रहता है, लेकिन कईयों में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन इसमें एंजियोस्पर्म में ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, गिर जाता है, मतलब कि मर जाता है एक तरीके का, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या है,
अगर फ्लावर में फंक्शंस की बात की जाए तो ये फंक्शंस एज ए क्या करता है, मॉडिफाई होके ये किस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि हेल्प करता है दही सेंस ऑफ फ्रूट, किसमें डेरी सेंस ऑफ फ्रूट, जैसे कि जो ओवरी हमारा कन्वर्ट हो चुका है फ्रूट में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में, ठीक है, अब उसका डेरी सेंस में हेल्प करेगा। तो ये था हमारा सारा फंक्शन किसका, फ्लावर का, मतलब कि फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट। अब जो आगे होने वाला वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, और मेगा जो एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है, जो कि फीमेल पार्ट होगा, फीमेल गेमेटोफाइट या फिर मेल गेमेटोफाइट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सारा होगा, ठीक है। तो ये सारा जो हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि फ्लावर को एक साथ रख दूं, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करवाऊंगा तो वो अलग से थोड़ा सा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है।